देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कांग्रेस ने किसान अधिकार दिवस के तौर पर मनाई। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने अंबाला सिटी जगाधरी गेट पर धरना दिया और भाजपा सरकार की ओर से लाए गए तीनों अध्यादेश को विरोध किया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज का दिन किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सत्याग्रह के रूप में सभी कांग्रेसी नेता बैठे हैं। नेताओं ने कहा कि तीन काले कानून लेकर किसानों के अधिकार छीने जा रहे हैं, MSP खत्म किया गया है। उनका कहना है कि आज के इतिहास में कभी भी किसानों पर ऐसा अत्याचार नहीं हुआ है। देखिए, एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी के महान नेता लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस पार्टी की महान नेत्री पूर्व प्रधानमंत्री प्रियदर्शनी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जहां किसानों को हक दिए, उनके लिए लड़ाइयां लड़ी, हरित क्रांति लाए देश में, दूसरी तरफ ये भाजपा सरकार उनके किसानों के खिलाफ काले कानून ला रही है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर और हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के आह्वान पर आज सब जगह सत्याग्रह किया जा रहा है और किसानों का अधिकार दिवस के रूप में यह दिन मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आज हमारी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बलिदान दिवस है और सरदार पटेल जी का जन्मदिवस है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के आज का दिन किसान अधिकार दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आज इस तरह के सत्याग्रह हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कार्यक्रम रखा हुआ है, लेकिन आज तक के इतिहास में किसान की सी जितनी बुरी दुर्गति आज है, आज तक के इतिहास में कभी किसान के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं हुआ है। आज किसान की फसल रुड़ रही है, कोई खरीदार नहीं है, सड़कों के ऊपर लोग सुखाने के ऊपर मजबूर हैं, आज किसान की पेमेंट नहीं हो रही है, आज किसान आत्महत्या करने के मजबूर है, किसान कर्जे के बोझ पर दबा हुआ है। आज किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर के कांग्रेस पार्टी किसानों के अधिकारों के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही है। सड़क से लेकर के संसद तक हमारी पार्टी किसानों के साथ लड़ी है और लड़ाई लड़ती रहेगी। प्रोग्राम में आज आपने धरना प्रदर्शन क्या करने के लिए? हमारी पार्टी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कांग्रेस पार्टी ने आज के दिन कांग्रेस अधिकार किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सत्याग्रह के रूप में आज हम सब ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। आज हमारे नेता सरदार पटेल जी का जन्मदिवस भी है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज देश के लिए बलिदान दिया था, बलिदान दिवस भी है। उसके साथ साथ किसानों के साथ जो पूरे हिंदुस्तान में अन्याय किया जा रहा है, जो अध्यादेश लेके आए, जो तीन बिल लेके आए, जो किसानों के अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी MSP को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसके विरोध में किसानों के समर्थन में आज ये किसान अधिकार दिवस के रूप में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं।